यहाँ लोग पानी को अपना पूज्य देव मानते हैं कि अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन गांव वालों का थोड़ी पीर के ऊपर भी श्रद्धा है, तो इन लोगों को मानना है कि ये अगर हम थोड़ा खारा पानी भी पी लेते हैं तो हमारे शरीर में मतलब कोई नुकसानी नहीं रहती है। हम 400-500 साल का इतिहास देखें तो कच्छ में एक अकाल का चक्र चलता है। उस अकाल के साथ पानी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्कर्सिटी। दूसरा, कच्छ का जो भूस्तर है वो बताता है कि कच्छ की जमीन, कच्छ की चट्टानें जो है वो समुद्र से निकली हैं, तो उस चट्टानों में एक तो इनहेरेंट खाराश की मात्रा है। Water defines the lives of the people of Kutch. Faith and traditional water systems have thus far helped local communities survive the harsh conditions of this land. ये कोसागर के अबड़ासा तालुका का जो सेंटर नलिया है उससे करीबन 25 किलोमीटर दूर का एक गांव है। यहाँ पर मतलब जियोलॉजी में देखे जाए तो जो दरिया के बाजू में जो रेती के ढूँहे बोलते हैं हमारी गुजराती भाषा में, तो वो रेती के ढूँहे और ये सेलो एक्वीफर ही है, मतलब ऊपर ही पानी मिलेगा। आप नीचे जाओगे तो दरिया का पानी आ जाएगा, ये रेती के ढूँहे के ऊपर ही कुएँ बने हैं। ये छात को तो बहुत साल पहले के हैं सर, लगभग 100 साल से भी ऊपर होगा ये, इसका ये तालाब का पुराना है बहुत। इससे पहले से वो हमारे गांव में रहते थे, बेचारो वाणिया लोग रहते थे, वो बनाया है। The knowledge of water management in this region is as old as the Harappan city of Dholavira. Ruins of this ancient metropolitan city show us the existence of reservoirs, wells and dams built to harvest rain and groundwater. यहाँ पर पूरा परंपरागत रीत से एक सात कुओं का ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है। इसमें सब एक साल में 3 हम पीने के लिए और 4 जो है वो जानवरों के लिए, भैंस गाय बकरी जो भी है उसके लिए यूज करते हैं। 2 साल बारिश नहीं हुआ तो ये कुएं से हम सब हमारे जानवर जो हम आदमी जो भी पी सकते हैं पानी। But changing climatic conditions, modern learning systems and development have brought about a steady erosion of traditional knowledge. This has left entire communities helpless and dependent on rainfall and pipelines from the Narmada to supply them with water. However, a small, enterprising band of people going by the name of Bhujal Jankars under the aegis of Parab has emerged in this area. It has begun to bridge the gaps between traditional wisdom, modern learning and the kind of development required in this region. सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग था हमारा जियोलॉजिस्ट, पत्थर को किस तरह आप पहचानते हैं, पत्थर को किस नाम से आप जानते हैं, पानी के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं। उस ट्रेनिंग आधार पर हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ एक्विफर है, एक्विटार्ड है, एक्विक्लूड है या एक्विफ्यूज है। उसके बाद हमने सिविल इंजीनियर की पानी के स्रोत कौन कौन से, तालाब है या तो टैंक है, उसको बनाने की डिजाइन किस तरह होगी। भूजल जानकार को एक कस्टमाइज पैकेज बनाया, सारे के सारे जो पानी और जमीन का स्थानीय लेवल पे प्रबंधन करना है तो कितना साइंस, कितना अंडरस्टैंडिंग, कितना स्किल, ये 3 चीज़ों को मिला के कस्टमाइज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया गया और उसको हमने नक्शे के आधार पे बना।
Literally translated as groundwater knower, the Bhujal Jankars of Parab are para-hydrogeologists. They have practical knowledge and an in-depth understanding of the hydrogeological conditions of the land they work in. नए बोरवेल बनाना, नए चेकडैम बनाना, कुछ कुछ जगह पे जैसे तालाब को गहरा करना. भूजल जानकार ये हमारे लिए या इस समाज के लिए है कि साइंटिफाइंग द कम्युनिटी. डिक्शनरी में शायद ये वर्ड नहीं होगा. दूसरी तरफ साइंटिस्ट को सोशलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए उसको कम्युनिटी के शब्द को समझना है, साथ साथ में साइंटिस्ट के शब्द को भी समझना है. The Bhujal Jankars understand the existing systems of water management in communities and offer sound advice on how best to leverage them to address the needs of the community. साइट सिलेक्शन करने में हमें पहले तो उस गांव के जो 7 प्रकार के नक्शे वो हमें बनाने पड़ते हैं. तो सबसे पहले आ गया बेज मैप, तो वहाँ क्या है, पीने के पानी की उपलब्धि कैसा है. फिर बाद में ये जाके हम एक वाटर सेट का प्लान करते हैं. फिर आगे जाके वो पूरा 7 मैप सब साथ में बैठ के, जो गांव के सरपंच होते हैं, गांव के आगेवान होते हैं, तो सब साथ वाले मिलके एग्री होते हैं और इस तरह हम साइट सिलेक्शन करते हैं. हम लोग को दोनों ज्ञान साथ में रख के इसको साइट सिलेक्शन करना है. एक तो जियोलॉजिस्ट को देख के करना, दूसरा सिविल को करना, तो काफ़ी डिफरेंट होता है. और दोनों ज्ञान को साथ में मिला के ये काम साइट सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हमको आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे रिचार्ज हो सकता है, तो रिचार्ज के लिए आप बनाएं. यहाँ पे रिचार्ज नहीं होगा, यहाँ स्टोरेज टैंक बनाना है तो स्टोरेज टैंक के लिए बनाना, उसमें फिर हम रिचार्ज नहीं कर सकते. The communities are encouraged to be actively involved at all levels of decision making with Parab. They recognize the Bhujal Jankars as homegrown trained experts. This has helped immensely in reducing their dependency on government water supply systems and take responsibility for managing this life-giving resource. Community Bhujal Jankar ko aise dekh rahi ki Bhujal Jankar is their voice. जैसे कोई स्कीम आई उसमें बोला गया आपके गांव में ये करना है, लेकिन ये करना है सही है कि नहीं है, तो ये भूजल जानकार के माध्यम से दे कैन डिसाइड. फार्मर्स ने सीधा उनसे सर्विस लेना शुरू किया है. बारिश के जो पानी बह रहा है तो इतनी बारिश में वो क्या क्या पैदाश कर सकते हैं, उस फैल ना जाए ऐसी पैदाश करें वो, को उनको को जितना डाला है पैसा खेती में उतना तो कम से कम उसको मिल सके. Parab is a private limited company that offers competitive and professional services to other non-governmental, private and government organizations that work in the area. ये पूरा काम आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे काम चल रही है, इसको पूरे काम को करने के लिए भूजल जानकार के जो लोग हमारे हैं, जो एक तरह से कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, उनका ही ये पूरा का पूरा इस एरिया का मैपिंग किया हुआ था. उसमें जो फील्ड लेवल के सर्वेस थे, कम्युनिटी के साथ कैसे कंसल्टेशन करना है, उसमें मुझे ये भूजल जानकार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. इतने अच्छे कॉम्पिटेंट हैं कि हमको कोई इंजीनियर की ऐसा ज़रूरत नहीं है. जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाने की भी ज़रूरत है. सस्टेनेबल करने के लिए उसका प्रॉपर यूसेज की भी ज़रूरत है. भूजल जानकार के लोगों जो कॉन्सेप्ट दिया है हमारे यहाँ के लोगों को, वो है कि हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि उसमें कितने लोग यहाँ के लोकल लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो अपनी जानकारी और बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं. अगर उनकी जानकारी बढ़ेगी तब अगर आप कहीं से विड्रॉ भी करते हैं तो वो उसको आगे ले जा पाएंगे. Over the years, Parab has also nurtured every Bhujal Jankar to blossom as an individual and as a resource person with access to support systems in the organization and community. Parab ke saman aaj bhi sabke ghar jaise,
आज के घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे शेयर करते हैं, भाई के साथ शेयर नहीं करता लेकिन यहाँ पर में आके शेयर करता है। मेरे को तो हिंदी और गुजराती कुछ नहीं आया आती थी, बोलने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। मैं तो इस 8 जने से पढ़ा भी कम हूँ, 4 पास में भी ट्रेनिंग थी, ये सब को तो आ रहा था, मेरे को नहीं आ रहा। तो ये टीम मेरे बहुत सपोर्ट किया, इसमें से मैं भी सीखा हूँ। जब ये परब में ज्वाइंट हुआ, भूजल जानकार बना और ये सब जानकारी मिली, तब से गांव में भी थोड़ा हमारा मान बढ़ गया है। अब सब मेरे को मास्टर जी, अब गांव में सब मास्टर जी बुला रहे हैं, जब मैं जाता हूँ तो बोले मास्टर जी आई आई ऐसे करके बुलाता है। The participatory approach to water management has led to a gradual increase in groundwater levels in this region. The training methodology used to create Bhujal Jankars has received national and international acclaim. पूरे अप्रोच को एक सही लेवल पे मान्यता मिले तो एक इंटरनेशनल लेवल का एक पार्टनरशिप के साथ भी हमने इस अप्रोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें ACIR जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज थी, क्योंकि ग्राउंड वाटर इश्यू सिर्फ देश भारत का नहीं है, पूरे दुनिया में बहुत सारे देशों में ग्राउंड वाटर की समस्या है। तो साउथ अफ्रीका, म्यांमार के लिए उन्होंने फिर से एक अपॉर्चुनिटी खड़ा करने का प्रयास किया और बोल रहे कि प्रपोजल बना के इसको हम आगे बढ़ें। फ्यूचर प्लान हमारा, हमारे जैसे ही कुछ पैरा जलयुक्त हैं वहाँ पे तैयार करें, हम दूसरे राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सब जगह पे ये परब के लोग जाके अभी वहाँ एक प्रक्रिया कर रहे हैं। तो भारत लेवल पे, देश स्तर पे पूरा अप्रोच जाने लगा है। The Bhujal Jankars of Parab have connected the past and the present in a way that has enabled common people to have a strong say in how the water of their land is managed. They are leading the way in creating participatory, sustainable and democratic systems for a more empowered and water-secure Kutch. और इस पूरे एरिया में आप जो देख रहे हैं, शायद मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि शायद इस पूरे एरिया का पानी का नक्शा एकदम चेंज हो जाएगा। तो वो जो सर्विस जो है, जो जिसमें कुछ वॉलंटियरिज्म है, ऑनरशिप भी है कि ये मैं मेरे विस्तार के लिए सर्विस दे रहा हूँ, मेरे कुछ वैल्यूज़ है कि जो प्यासे को मुझे पानी पिलाना चाहिए वो मेरा जिम्मेदारी बनता है। तो ये वैल्यूज़, अपने विस्तार के प्रति ऑनरशिप, अपने विस्तार के प्रति लगाव, इन सब चीज़ों को जोड़ के हमने उस भूजल जानकार के समुदाय को परब नाम देने का एक प्रयास किया।